आयशा, मुझे पता है भाभी आप क्या बात करने आई हैं, फाखिर और ऐनी के बारे में। सबके सामने मुनासिब नहीं लगा मुझे बात करना, इसलिए अकेले में बात करने आई हूँ। तुम माँ हो ऐनी की और मैं चाहती हूँ कि तुम एक सेकंड भाभी, एक मिनट, पहले आप मेरी एक बात का जवाब दें। आपको लगता है मेरी ऐनी झूठ बोल रही है? आपको लगता है ऐनी ऐसा कर सकती है? पाला है आपने उसे, फिर क्यों मान रही है सबकी बातों को? देखो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गलत है कौन सही है। ऐनी पर उंगलियां उठ चुकी हैं, उस पर इल्जाम लग चुका है। अब क्या फर्क पड़ता है कि वो सही है क्या गलत? देखो आयशा, तुम्हें उसे समझाना होगा। अच्छा तो क्या करूं मैं, क्या चाहती हूँ मैं? फाखर को भी समझाना चाहती हूँ, लेकिन अभी उससे बात नहीं कर रही मैं, गुस्से में है वो। जज्बाती होता है तो किसी की बात नहीं सुनता है वो। समझाऊंगी मैं उसे। तुम्हें ऐनी को समझाना है, ये मनमानियां छोड़नी होंगी उसको। ऐनी ने अपनी मनमानियां की ही कब है भाभी? तो चाहती क्या हो तुम? तुम्हें लगता है सब सही है? भाभी, फाखर को ऐनी पर यकीन है, मुझे ऐनी पर यकीन है, आपको भी ऐनी पर यकीन होना चाहिए, लेकिन आप सबकी बातों में आ रही हैं। क्योंकि मैं अंधी और बेवकूफ नहीं हूं। सुनना चाहती है तो सुनो फिर। मैंने अपनी इन आंखों से उस हमजा को इस घर के चक्कर लगाते हुए देखा है। क्यों 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 मंडराता है इस घर के इर्द गिर्द? हाँ तो बचा होगी ना। मुझे तो लगता था आपको अपने बेटे पर फख्र होगा। खुश होंगी आप फाखिर को इस तरह देखकर? जिस चीज को और जिस बात को आप और मैं जिंदगी भर तरसते रहे, अपनी बीवी के लिए कर क्या? जलन तो नहीं हो रही आपको? पर क्या बकवास कर रही हो तुम, क्या बोल रही हो तुम? मासूम है वो, बेवकूफ है, उसको समझ नहीं आती ये दुनिया की बातें नहीं जानता वो, ये गहराइयां ये उसको समझ नहीं आती है। नहीं भाभी, एक फाखिर ये है जिसकी मासूमियत इन सबके झूठ का शिकार नहीं हुई। अगर उसका दिल मैला होता तो सबकी बातों में आ जाता, झूठा होता ना तो सबके झूठ मान लेता। फख्र है मुझे फाखिर पे। तुम नहीं समझाओगी ऐनी को? मेरा ख्याल है भाभी ये मियाँ और बीवी की आपस की बात है, तो आपस में ही रहने दी जाए।